हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद सप्पू। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कोरियन का बहुत ही फेमस रेसिपी मशरूम पोटैटो। तो आइए, उसके लिए हम यहाँ पे आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने अच्छे तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ों में कट कर लिया है। उसके बाद हम इसे उबालेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन चढ़ाया है और पैन में मैंने थोड़ा सा पानी रखा है और इसे हम 5 से 10 मिनट इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये बॉयल करेगा फिर आलू इसमें डाल देंगे। सो गाइज़, यहाँ पे मैं सारे आलू को डाल दी हूँ और ये बस 5 से 10 मिनट में अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। तो बस हमें 5 मिनट का वेट करना है। सो यहाँ पे अब मैं आपको एक आलू को देखती हूँ कि मेरा आलू कुक हुआ है या नहीं। सो गाइज़, यहाँ पे देख सकते हैं कि आलू तो अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो अब हम सारे आलू को निकाल लेंगे और उसे गर्म में ही मैश कर देंगे, क्योंकि गर्म में ही अच्छे तरीके से ये मैश हो सकेगा। सो फटाफट मैं सारे आलू को मैश करके आपको मिलती हूँ। सो गाइज, मैं सारे आलू को अच्छे तरीके से मैश कर चुकी हूँ और उस आलू को एक बॉल में ले ली हूँ जिसमें हमें इसका एक थिक डो बनाना है। डो बनाने के लिए इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल जेन्युइन रेसिपी है कोरियन मशरूम पोटैटो की। आप ज़रूर एक बारी अपने घर पे बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। बिल्कुल हम इंडियन तड़का लगा के इसे बनाएंगे। सो देख सकते हैं आप कि अच्छे तरीके से मैं इसे मिला लेती हूँ फटाफट से। सो गाइज, इसे अच्छे तरीके से हम बिल्कुल सान चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा एक डो बन गया है इसका। सो गाइज, अब हमें एक प्लेट लेना है और अपने हाथों में इस तरीके से तेल लगा के छोटे छोटे पेड़े काटना है और उसे बिल्कुल गोला बना देना है इस तरीके से। पहले हम सारे पेड़े को काट के गोला बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मेन ट्रिक बताऊंगी कि कैसे हम मशरूम बनाते हैं इस पोटैटो का। सो पहले मैं फटाफट सारे गोले कर ले रही हूँ। सो गाइज़, अब आपको एक इस तरीके का बॉटल चाहिए। मेरे पास एक सॉस का बॉटल था तो मैं उसका यूज़ की हूँ। आपके पास अगर नॉर्मल भी कोई सा भी प्लास्टिक का भी बॉटल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उस आलू को आपको बिल्कुल हाथ के सेंटर पे इस तरीके से रख के अपने अंगूठे से बिल्कुल इस तरीके से निकालना है और बहुत ही सावधानी से ये कीजिएगा क्योंकि इसका टूटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। बस आपको सेंटर पे ऐसे रख के और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से निकालना है। सो आप देखिए कितने इजी तरीके से मैं सारे मशरूम बना ले रही हूँ। सो मैं फटाफट सारे मशरूम को बना लेती हूँ इसी तरीके से। सो गाइस, सारे मशरूम बन चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक पैन में पानी गर्म करने के लिए ऐसे चढ़ाएंगे और इसी पानी में हमें 2 मिनट तक अपने मशरूम पोटैटो को बॉईल करना है। बिल्कुल आप मेरे तरीके से बनाइएगा, आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी, और बहुत ही टेस्टी बनेगा। सो इसे हम 2 मिनट तक इस अच्छे तरीके से कुक कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। निकालते समय आप काफ़ी सावधानी से निकालें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो ये टूटने का डर रहता है। सो हम फटाफट पहले निकाल लेते हैं सारे पोटैटोज़ को। निकालने के जस्ट बाद आपको एक बॉल लेना है, उसमें पानी लेना है, उसमें कुछ आइस क्यूब्स डालने हैं और उसके बाद जो हम पोटैटो निकाले हैं गरम गरम वो इसमें डाल देंगे। इससे हुआ क्या कि ये बिल्कुल गरम ठंडा का जो टेम्परेचर है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा और आपके एक भी मशरूम पोटैटो टूटेंगे नहीं। सो इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो अब बारी है तड़के लगाने की। तड़के लगाने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको 2 टेबलस्पून यहाँ पे ऑयल डालना है। ऑयल आप कोई सा भी डाल सकते हो, सरसों का या फिर रिफाइंड ऑयल। मैं यहाँ पे सरसों का ही तेल डाली हूँ। सरसों का तेल डालने के बाद आपको 1 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग एकदम चॉप किए हुए लहसुन इसमें ऐड करने हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब आपको सॉसेस कुछ यहाँ पे मिलानी है, एक बॉल ले लेंगे सबसे पहले। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें हम सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम चिली सॉस डालेंगे इसमें और 1/2 टेबलस्पून इसमें हम गोलकी पाउडर और ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब जो हम सॉसेस बनाए थे उस सॉस में हम ला के उस मशरूम पोटैटो को डाल देंगे और अच्छे तरीके से बिल्कुल मिला देंगे।
अब जो हम तड़के लगाए हैं उसमें सिर्फ मैंने लहसुन दिया था, और उसके बाद हम 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग धनिया पत्ता डाल देंगे। उस इन दोनों को बस सॉटे करके, और फिर जो हम अभी सॉस बनाए हैं उसमें हम ला के डाल देंगे। ये हुई परफेक्ट कोरियन सीजनिंग। इसी तरीके से वहाँ के लोग भी इस डिश को बनाते हैं। सो आप बिल्कुल इंडियन स्टाइल में ऐसे ही बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। फिर हम इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे, और एट द लास्ट अब बस हमें इसमें नमक ऐड करना है। तो लीजिए, बनके तैयार है हमारी कोरियन स्टाइल में मशरूम पोटैटो। सो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने घर में इस डिश को ज़रूर बनाइएगा और फुल फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।